नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं वैष्णवी कतलकर आपके साथ। आज है 5 अगस्त और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। तो आइए नजर डालते हैं आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। विपक्ष के नेता बनने के बाद विधानसभा अधिवेशन के आखिरी दिन विजय वडेट्टीवार ने वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पर हल्ला बोल करते हुए 33 करोड़ पेड़ लगाने का मुद्दा विधानसभा में उठाया। इसके पूर्व एक दिन पहले दोनों में जंगली हाथी के संदर्भ में जंग छिड़ी थी। अब आगे इन दोनों में किस प्रकार से वार पलटवार होते हैं, इस पर लगी है चंद्रपुर जिले की निगाहें। सिरोंज जालापल्ली मार्ग की खस्ता हालत की आप स्क्रीन पर लगी हुई तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यात्री जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे हैं। गढ़चिरौली के अति दुर्गम इलाके की यह कहानी बदलने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है, जिसका सबूत यह तस्वीरें बयां कर रही है। ब्रह्मपुरी शहर में पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए पति ने पत्नी को लकड़ी से पैर और सिर पर वार कर उसका बेदर्दी से खून करने का मामला है सामने। आरोपी अशोक बाबूराव शेंद्रे उम्र 30 वर्ष, जो की पादरी गणेशपुर सिंदेवाही तहसील का निवासी है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे एक दिन का PCR मिला है। कुछ दिनों पहले अहेरी बस डिपो की एक बस रास्ते पर छप्पर उड़ने की अवस्था में दिखाई दी, जिसके कारण अहेरी डिपो के प्रशासन पर काफी सवाल उठे। अब सुस्ताया हुआ प्रशासन जागने के बाद इन बसों की लिपा पोती में लगा हुआ है, जहां पर पानी टपकने की या फिर छत की वेल्डिंग उखड़ने की समस्या पर वेल्डिंग करने का काम शुरू है। गढ़चिरौली जिले के धानोरा तहसील के मुरुम गांव में खेत में काम करने वाले अशोक फर्दिया नामक किसान पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन दिनों खेत कार्य के कारण किसान खेत पर जाते हैं और इसी इलाके में वन्य प्राणियों का संचार है, जिसके परिणाम स्वरूप वन्य प्राणी और इंसानों में जंग छिड़ी हुई दिखाई दे रही है। वनी में एक ऐसी घटना सामने आई जहां एक गर्भवती महिला ने प्रसूति के बाद जिस बालक को जन्म दिया उसके अवयव ही नहीं है। हालांकि पीड़िता को बार बार सोनोग्राफी करने के बाद यह बताया गया था कि होने वाला बालक सकुशल स्थिति में है। इस मामले में पीड़िता ने पत्र परिषद लेकर आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। पुसद तालुका के हुडिम आश्रम स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को रात का खाना खाने के बाद विषबाधा होने का मामला आया सामने। इस मामले की छानबीन करने के बाद पता चला है कि इन छात्रों को सुबह के खाने में बासी खाना खिलाया गया था। इस घटना के बाद अभिभावकों ने आश्रम स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। चिमूर तहसील के बरसघाट के खेत खलियानों में जंगली सुअर द्वारा किसान पर हमला करने का मामला आया सामने। इस मामले में किसान ने भी जंगली सुअर का जमकर मुकाबला किया। इस घटना का वीडियो भी आया सामने। आता जमीन घेण्यासाठी वाट पाहू नका, अगोदर जमीन घ्या आणि मग वाट पहा। श्री साई असोसिएट्स बुटीपुरी जवळ नॅशनल हायवे 7 ला टच लेआउट, फक्त कमर्शियल प्लॉट्स उपलब्ध। NMRDA सँक्शन प्लॉट्स, ते पण RL लेटर सोबत। ऑफर रेट आहे फक्त 1070 रुपये स्क्वेअर फीट। 25% डाऊन पेमेंट आणि 75% बँक फायनान्स उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे अपोजिट प्रगती भवन, छत्रपती स्क्वेअर रिंग रोड, नागपूर। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9326514214। श्री साई असोसिएट्स। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में अति खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।